Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूं आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। बिग बॉस का सेकंड एपिसोड हो चुका है खत्म और हमारी टीम हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है। बाबा तोप है, मैडम बबीता है और मिस्टर गुलाटी हैं, यानी कि डॉक्टर गुलाटी हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार मैडम जी। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, रिव्यू करने के बारे में कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा मैडम जी। अच्छा, तो आपको गुलाटी साहब को खास नहीं लगा तो? गुलाटी खास नहीं लगा, ठीक है, लेकिन खास क्यों नहीं लगा, कैसे नहीं लगा, कुछ बात आगे नहीं, तो पहला एपिसोड था ना, अभी तो लोगों को आपस में मिलने गुलने में टाइम तो लगेगा ना। पहले नहीं, तुमको लगता है स्वाद आना लग जाए। हाँ, गुलाटी लेके लग जाए तो फिर ठीक है ना। मैंने अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू ना दो तो आपने कहते पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, दे दो तो भी आप पीछे पड़ जाते हो यार। आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ यार मैडम, एक बात सही है कि शुरू शुरू का है, लेकिन शुरू शुरू का एपिसोड है वो बात सही है, मिलने गिलने में टाइम लगता है, मिक्सअप होने में लगता है, लेकिन ये जो पहले बिग बॉस देख देख के आते हैं ना, इनको लगता है फिर वो अपनी नेचुरलिटी गेम की खत्म हो जाती है। हाँ, ये आपकी सही बात है। मुझे जहां तक मुझे लगा ना, पहले ही दिन उनको ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला टास्क नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि अभी लोगों को जानने का मौका देना चाहिए था बिग बॉस की टीम को, ताकि लोग एक दूसरे को एक हफ्ता तक जानते, नेक्स्ट वीक ये वाला टास्क देते। हाँ, ये बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। तो थोड़ा सा मजा होता, तो उनके पास भी मुद्दे होते बात करने के लिए। अभी तो बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने की जैसे फॉर्मेलिटी सी हो रही थी। कमजोर कैसे है तो पता तो चले, एक दिन में कैसे पता चल जाए कि मेरे से वो कमजोर है। वो बिल्कुल मैडम बड़ी सानी है, मैडम बड़ी सानी है। तो इसी चक्कर में बात सही है कि वो जो है वो बिना बात पे वो अपना नेहा पेट से भी गलती कर बैठी है, हारी। नेहा पे, हाँ पेट से यार, एक तो नाम भी मेरे मुंह पे। बात हम कर रहे थे कि आज के टास्क के बारे में, और मुझे एक चीज बड़ी थोड़ी लगी कि हिना खान और हितेन तेजवानी आए, तो मुझे लगता है कि अभी से क्यों बिग बॉस को जरूरत पड़ने लगी है लास्ट जो सीजन के कंटेस्टेंट की आए और शो की टीआरपी बढ़ाए। क्या उनको वीक लग रहा है बिग बॉस की टीम को अपना शो, क्या बोलते हो आप लोग? भाई ये ऐसी बात नहीं है, पर वो आते हैं, सेलिब्रिटी है उनके पास तो लेके आते हैं यार। इसका मतलब अब पॉजिटिवली ले लो मैडम, कि अभी हिना खान इनको लेके आगे पता नहीं कौन कौन सी तोपे लेके आएगा बिग बॉस। नहीं मैडम का मतलब ये नहीं कि लेके, मैडम बोल रही कि उनको अपने कंटेस्टेंट वीक लग रहे हैं क्या? पहले ही दिन में सेलिब्रिटी टाइप ले, हिना खान को तो वैसे नहीं मानती सेलिब्रिटी, कहां की सेलिब्रिटी। आप ना मानो, आपके मानने से होता है कुछ? आप मान लो। यार ये तुम लोग तो, तुम्हारा बिग बॉस ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग पहले दिन ही झगड़ा। हाँ, वही बात है जी, झगड़ा भी मुद्दे के साथ ही करते हैं, इनकी कभी राय मिलती नहीं है दोनों की। खैर मैं ये बात कर रही थी बाबा तोप की, चलो खैर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सेलिब्रिटी आएंगे, तो अभी ये आ रहे हैं तो आगे पता नहीं कौन आएंगे, तो दिस इज गुड। बट जो चीजें जैसे अनूप जलोटा और जसलीन के रिलेशनशिप को लेके जो बातें की इन लोगों ने, और सब लोगों ने बात की, सब लोगों ने सवाल जवाब किए, वही चीज जब दूसरे जो जोड़ी आई दीपक और क्या नाम है लड़की का, उर्वशी, उसको सिर्फ एक ने ही सवाल पूछे, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये मैडम जी मतलब मजा लेते हैं, सिर्फ एक एज्ड बंदे को यार प्यार करने का अधिकार नहीं है। ये बात मेरे को भी, आप बल से उनसे गुरुजी से सीखो कि इस उम्र में भी आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया है, कैसे वो तो, और सबके सामने। दूसरी बात तो मैडम, मैं एक बात मेरी, एक मिनट मैडम पूरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात जो पहले कन्वेस कर चुका है पूरा सलमान खान के साथ ही, वही मुद्दे को वापस करने के ऑडियंस को बोल। हाँ, सलमान खान के सामने किया वो हमें पता है ना, बाकी लोगों को थोड़ी पता, घर वालों को, वो कौन सा एपिसोड तो स्टेज के पीछे बैठे होंगे, आपको ज्यादा पता है।
ये बात तो मैडम जी आपसे दुरुस्त है बिल्कुल। और क्या, उनको नहीं पता, उनको एक्चुअली मैं आपको बताऊं बाबा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप से, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, आपको तो वैसे भी नहीं होगी, आप भी तो अनूप जलोटा की एज के हो। मैडम जी, पर उसने कहा ना फिर आज कि आप में करंट है, जसलीन ने कहा ना आज पूरा सबके सामने कहा कि आप में जैसे करंट है, तो ये करंट हमने पुरानी खुराकें खाई होती है ना, तो हम में ज्यादा करंट होता है। तो मैं बिना खुराक के ही मेरे में बहुत करंट है, कभी छू के देखना। ये कब हो गया मैडम जी? अरे हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। आज का एपिसोड जो था वो थोड़ा ठंडा था, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ठंडा एपिसोड था, और क्योंकि शुरुआत है तो होंगे एक दो एपिसोड ऐसे ठंडे, मगर धीरे धीरे इसकी गर्माहट बढ़ेगी शो की, क्योंकि शो बहुत बड़ा है, हम लोग भी रोज बनेंगे शो के साथ, तो रोज देखेंगे कि क्या होता है एपिसोड में, रोज हम करेंगे रिव्यू। आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.